नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र। आप देख रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। कैसा रहने वाला है आपका आगामी सप्ताह, कैसे करनी है अपने दिन की शुरुआत, जानेंगे आचार्य प्रदीप राहल जी से। और साथ ही ये भी जानेंगे कि राहु और केतु, पिछला सप्ताह जैसा कि हमने राहु के बारे में चर्चा की थी, तो इस बार हम चर्चा करेंगे केतु के बारे में। केतु का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। प्रदीप जी, आप से इन सभी विषयों पर हम जानेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और केतु के बारे में जानें। उससे पहले जानते हैं साप्ताहिक राशिफल, और साप्ताहिक राशिफल में पहले चर्चा तीन राशियों के बारे में, जो है मेष, वृष और मिथुन। कैसा रहने वाला है इनका आगामी सप्ताह प्रदीप जी? जी, तो मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी नकारात्मक वे में होने वाली है। आपका फाइनेंस कुछ बीमारियों पे खर्च होने वाला है, जिसकी वजह से आपको सप्ताह में थोड़ा सा तनाव महसूस होगा। लेकिन आपके प्रोफेशन में आपका दबदबा बना रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी चलती रहेगी। सिर्फ आपको ध्यान रखना है हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का, यानी कि किसी प्रकार की भी अगर छोटी मोटी बीमारी होती है तो वहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके साथ साथ जो आपके बॉस हैं वो आपका सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। मान लीजिए कि अगर किसी हेल्थ की समस्या से आपको गुजरना भी पड़ता है तो जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ साथ जो आपके पिता हैं वो भी आपके पूर्ण रूप से इस सप्ताह कुछ ना कुछ ऐसी सलाह आपको देंगे जिसकी वजह से आपके जीवन में धन लाभ हो सकता है या कुछ इनकम के नए रास्ते आपको वो दिखाते हुए नज़र आएंगे। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए। तो वृष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह हर प्रकार से अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो जो उनके मार्गदर्शक हैं, जो उनके गुरु हैं, किसी भी प्रकार से जो आपको गाइड करते हैं, वो कुछ ऐसी गाइडेंस आपको देने वाले हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में चौतरफा उन्नति आपको होती हुई प्रतीत होने वाली है या वो आपको मिलेगी। तो आपके गुरु आपको रास्ता दिखाने वाले हैं। इसके साथ साथ जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ पर भी आपका कार्य आपके अनुरूप चलता रहेगा, यानी कि वहाँ पर भी आप जो भी आप कार्य करना चाहते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वो आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अगर आप किसी प्रकार का व्यापार करते हैं, तो वहाँ पर आपका कोई ना कोई फॉरेन कनेक्शन इस्टेब्लिश होता हुआ नज़र आएगा। यानी कि अगर आप अपने बिजनेस को, अपने ब्रांड को अगर आप फॉरेन में इस्टेब्लिश करने का सोच रहे थे और वहाँ पर आप प्रयास कर रहे थे, तो इस सप्ताह वो प्रयास आपका सफल होता हुआ प्रतीत होता है। इसके साथ साथ इन सबका रिजल्ट ये होगा आपके जीवन में कि आपका जो जो फाइनेंशियल फ्रंट है, जो आपका धन प्रवाह है आपकी लाइफ में, जहाँ से आपकी इनकम होती है, वो आपकी इनकम बढ़ने वाली है। इसके साथ साथ जो आपका स्पाउस है वो भी आपके जीवन में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाता हुआ नज़र आएगा। यानी कि हर प्रकार से ये सप्ताह आपके जीवन में चौतरफा उन्नति लेकर आने वाला है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो मार्गदर्शन की बात हो, यानी कि हर प्रकार से आपको इस सप्ताह में विशेष रूप से अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सबसे पहले तो जो आपका स्पाउस है वहाँ से किसी ना किसी प्रकार का फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है, चाहे वो डायरेक्टली आपके स्पाउस से हो या आपको किसी प्रकार का इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या कोई किसी प्रकार का कोई उपहार आपकी ससुराल से मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर आपके स्पाउस अभी तक नौकरी की तलाश में थे, आपकी पत्नी नौकरी करना चाहती थी या पति, या उनकी नौकरी अभी तक नहीं लगी थी, तो वहाँ पर वो उनकी नौकरी लगेगी और उनसे आपको धन लाभ हो सकता है। इसके साथ साथ जो खुद आपकी प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ पर भी आप एक कर्मठ की तरह उभर कर आएंगे और हर चीज़ को तब तक आप नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आप उस कार्य को समय से पहले कंप्लीट ना कर लें, और उसका रिजल्ट ये आएगा कि आपको विशेष रूप से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। इसके साथ साथ अगर किसी भी प्रकार का आपका कोई कोर्ट कचहरी का केस था तो वहाँ पर भी आपको आपके फेवरेबल रिजल्ट मिलने वाले हैं, यानी कि आपकी जीत उसमें सुनिश्चित है। तो यानी कि मिथुन राशि के जातकों के लिए भी ये सप्ताह हर प्रकार से विशेष रूप से अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाला है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा नकारात्मक रहने वाला है। सबसे पहले तो
सतर्क उन महिलाओं को रहना है जिन जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, यानी कि आपको बहुत ही अपने आप का ख्याल रखने की आवश्यकता है। इस सप्ताह में कुछ नकारात्मक रिजल्ट मिल सकते हैं, मिसकैरेज जैसी संभाव पॉसिबिलिटी आपके जीवन में आ सकती है, तो आपको उस बात पे जरूर ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा कार्य या कोई भी ऐसी ढिलाई ना बरतें जिसकी वजह से ये कार्य हो जाए। इसके साथ साथ अगर आपकी संतान पहले से है तो वहाँ पर भी आपको उनका ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। किसी न किसी प्रकार के छोटे मोटे नकारात्मक रिजल्ट या कुछ अशुभ समाचारों की प्राप्ति आपको उनके माध्यम से हो सकती है, तो अपनी संतान को लेके आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी फील्ड से जुड़े हुए हैं जहाँ पर सामाजिक संपर्क की आवश्यकता पड़ती है, तो वो सामाजिक दायरा, वो सामाजिक संपर्क आपका बढ़ने वाला है और जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसिंग लोग हैं उनसे आपकी मुलाकात होने वाली है और आगे चल के उनसे आपको सहयोग भी मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर पहले से कोई बिजनेस आपका पार्टनरशिप में चल रहा था, तो वहाँ पर आपको अपने व्यक्तित्व पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहाँ पर आपको एरोगेंट नहीं होना है, वहाँ पे आपको पेशेंस रखना है। किसी प्रकार की ईगो के चलते उसमें व्यवधान आ सकते हैं, तो आपको ध्यान ये देना है कि इस सप्ताह किसी भी प्रकार की डायरेक्ट लड़ाई से या किसी भी प्रकार के डायरेक्ट वाद विवाद से आपको बचने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं, किसी भी प्रकार की जॉब से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो वहाँ पर ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। तो कुल मिला के ये सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए मिला जुला रहने वाला है। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी नकारात्मक होगी, ओवर स्ट्रेस फील करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत कुछ नेगेटिव आपके जीवन में होने वाला है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी चीज़ों को लेकर हम काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हमें होना लगता है। तो इस प्रकार की समस्याएं वास्तव में कोई बड़ी नहीं होंगी, लेकिन आपके माइंड में कई बार चलने के कारण, ओवरथिंक करने के कारण वो आपको बड़ी लग सकती है। इसके साथ साथ जो आपकी दैनिक दिनचर्या है, जो आपके रोज क्रियाकलाप हैं, जो रोज के करने वाले हैं, उनमें आप थोड़े लेजी हो सकते हैं, यानी कि समय से ना उठना, समय पर ना सोना, समय पर ना खाना, उन चीज़ों के चलते आपको काफ़ी छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल चीज़ ये रहेगी कि आप अपनी दिनचर्या को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से फॉलो करें इस सप्ताह, अदरवाइज़ आपको अननेसेसरली की स्ट्रेस आपको हो सकता है और टेंशन हो सकती है, जिसकी वजह से ये सप्ताह आपका बर्बाद हो सकता है। इसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए आप अगर दिनचर्या अपनी फॉलो करेंगे, आप कोई किसी प्रकार का कोई दौड़ भाग करते रहेंगे, अगर आप कोई व्यायाम करते रहेंगे, तो ये पूरा जीवन, पूरा आप सप्ताह फिर आपको अच्छे रिजल्ट ही लेके आएगा। और इस चीज़ से बाहर आने के लिए नंबर वन, आप अपने आप को व्यवस्थित रख सकते हैं। नंबर दो, आप डेली शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, मंदिर जाएं, घर पर नहीं, डेली मंदिर जाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तब भी आप उन परेशानियों से बच पाएंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। तो कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत आपकी आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप को रहने वाली है, यानी कि अगर वहाँ पर किसी प्रकार की कुछ छोटी मोटी कहासुनी चल रही थी, तो वो इस सप्ताह समाप्त हो जाएगी और आपका रिलेशन एक आनंदमय या एक सामंजस्य वाली स्थिति में पहुँच जाएगा, ताकि आप दोनों के जो भी मतभेद थे वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ साथ अगर कोई आपकी पैतृक संपत्ति थी तो वो आपको मिल जाएगी, या अगर आप किसी इस प्रकार की कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें सडन गेंस होते हैं, मान लीजिए आप स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर आपको विशेष रूप से लाभ मिल सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है अगर आपका कोई प्रॉपर्टी पहले से आपने कोई खरीदी हुई थी, अचानक से वो किसी प्रोजेक्ट में आ जाए, तो वहाँ से भी आपको सडन गेन हो सकता है। तो प्रॉपर्टी से लेकर या अन्य किसी प्रकार का आपको कुछ ना कुछ सडन गेन इस हफ्ता देखने को मिल सकता है। पत्नी के साथ रिलेशनशिप आपका बेहतर होगा। इसके साथ साथ जो आपकी संतान है उनसे भी आपको कोई ना कोई सुखद समाचार मिलने की संभावनाएं हैं, यानी कि संतान की तरफ से भी आपका ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। पत्नी के या पति के साथ आपका सामंजस्य अच्छा रहने वाला है। कुछ ना कुछ इनहेरिटेड मिल सकता है या कोई अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। सिर्फ आपको ध्यान रखना होगा अपनी वाणी पर। इन सब के चलते हुए आपकी वाणी कई बार कठोर हो सकती है, तो अगर वहाँ पर आप कंट्रोल बनाकर नहीं रखेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो आपके कुछ रिलेशंस डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। तो अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तो तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह
हर प्रकार से अच्छा रहने वाला है। क्या क्या अच्छा होने वाला है आपके इस सप्ताह में? सबसे पहले तो अगर आप कोई भूमि लेने का सोच रहे थे, कोई विचार कर रहे थे, तो इस सप्ताह वो आप भूमि ले पाएंगे। नंबर दो, अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको सक्सेस मिलनी है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन करना पड़ता है, मान लीजिए कि आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे आपको नंबर्स में खेलना पड़ता है, मीन्स कि खेलने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके कलीग्स हैं, उन सबको एक असाइन टारगेट दिए हुए हैं, यानी कि सेल्स वगैरह से अगर आप जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आप अपने टारगेट्स को ओवर अचीव कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो आपकी संतान है उनके साथ भी आपके जो रिलेशंस हैं इस सप्ताह वो मधुर रहने वाले हैं। सिर्फ नकारात्मक कहाँ पर हो सकता है, अगर आपकी कोई पहले से प्रेम संबंध चलता हुआ आ रहा था तो वहाँ पर किसी कुछ दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो रिलेशन आपका ब्रेकअप तक पहुँच जाए। इस सप्ताह को और बेहतर करने के लिए अगर आप डेली शनि चालीसा करते हैं तो आपके जीवन में और अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो आप शनि चालीसा करिए पूरे सप्ताह, और हर प्रकार से जो कुछ भी छोटा मोटा कुछ नकारात्मक होना था वो भी नकारात्मक आपके साथ नहीं होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आपको ध्यान इस बात पर देना है कि आपका आपकी संतान के साथ किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद ना हो, या आप उनके डायरेक्ट वाद विवाद से बचें। अगर ऐसा होता है तो आप अपने आप को हर्टेड फील करेंगे, जिसकी वजह से आपके घर का माहौल, साथ में आपके अपनी पत्नी के साथ संबंध और अपनी माता के साथ भी संबंधों में कुछ खटास आ सकती है संतान के कारण। तो अगर वहाँ पर आप संतान का ध्यान रखते हैं या उनसे डायरेक्ट वाद विवाद से बचते हैं तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आप नकार पाएंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्टली वहाँ पर वाद विवाद करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, तो आपकी पत्नी के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं और आपकी माता के साथ भी, जिसकी वजह से आपके घर का माहौल पूरे सप्ताह काफ़ी ज़्यादा टेंस रह सकता है। लेकिन जहाँ तक बात है आपके फाइनेंस की, आपका फाइनेंस इस सप्ते सुदृढ़ होने वाला है, यानी कि कुछ ना कुछ आपको ऐसी इनकम के मार्ग मिलने वाले हैं जिसकी वजह से आपको आपका जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, जो आपकी सेविंग्स हैं, वो बढ़ने वाली हैं। या फिर अगर आपने किसी को कोई पैसा दिया हुआ था और वो काफ़ी समय से अटका हुआ है, अभी तक आपको नहीं मिला है, तो इस सप्ताह वो धन लाभ भी आपको हो सकता है, यानी कि आपका गया हुआ पैसा वापस आ सकता है। तो यानी कि ये सप्ताह आपको हर प्रकार से ठीक रहेगा। सिर्फ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है अपने और अपनी संतान के साथ संबंध जिस भी प्रकार के हैं वहाँ पर आपको सामंजस्य बनाकर रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। तो धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह हर प्रकार से अच्छे रिजल्ट ही लेकर आने वाला है। सबसे पहले तो जो उनके घर का माहौल है, जो पिछले सप्ताह कुछ डिस्टर्बेंस रहा उनके जीवन में, इस सप्ताह पर वो सारे मतभेद, वो सारे डिस्टर्बेंस दूर हो जाएंगे और आपके घर का माहौल एक उमंग पूर्वक रहने वाला है, ओज पूर्वक रहने वाला है। वहाँ पर अपने आप को आप कंफर्टेबल फील करेंगे और आप छोटी छोटी चीज़ों का अपने जीवन में खुशियाँ के रूप में उनको मना पाएंगे, यानी कि आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है इस सप्ताह वो अच्छी रहने वाली है। इसके साथ साथ इस सप्ताह में आपको संतान सुख भी मिलने वाला है, या संतान से कोई ऐसे समाचार मिलने वाले हैं जिनसे आपको सुख की अनुभूति होगी। इसके साथ साथ सप्ताह के अंत तक आते आते कोई छोटी मोटी आपकी यात्राएं भी हो सकती हैं, यानी कि धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कुल मिलाकर मेन रूप से जो अच्छा रहने वाला है आपके घर के मामलों में, ये काफ़ी विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है कि वहाँ पर आपका एक माहौल जो है खुशनुमा बना रहेगा। इसके साथ साथ संतान से भी आपको सुखद समाचार मिलते रहेंगे। तो मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह सबसे पहले तो जो आपका सामाजिक जीवन है, जो आपका आपके मित्रों के साथ व्यवहार है, वहाँ पर विशेष रूप से अच्छे रिजल्ट लेके आने वाला है। यानी कि इस सप्ताह आप मौज मस्ती के माहौल में डूबे रहेंगे, यानी कि आपको अपने दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा, उनके साथ छोटी मोटी कुछ यात्राएं करने का मौका मिलेगा। तो ये सप्ताह आपको कुल मिला के मौज मस्ती का माहौल मिलने वाला है। इसके साथ साथ सप्ताह के अंत तक आते आते कोई ना कोई आपका प्रेम संबंध भी स्टार्ट हो सकता है, कोई ना कोई आपको लव पार्टनर मिल सकता है, तो उस रूप से भी ये आपका सप्ताह अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप बिजनेस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, किसी प्रकार का अगर आप व्यापार करते हैं और उसको आप एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं, तो इस सप्ताह बहुत अच्छा समय होगा कि आप उसको एक्सपेंड करें,
और उसमें जिस भी प्रकार का आपको सपोर्ट चाहिए होगा, चाहे वो फाइनेंशियल हो या मॉरल सपोर्ट हो या फिर आपको मैन पावर का सपोर्ट चाहिए हो, वो सारे सपोर्ट आपको इस सप्ताह मिल जाएंगे। यानी कि जो भी कार्य आप करेंगे उनमें आपको सपोर्ट मिलेगा। और ऐसा हो सकता है कि जो आपके मिलने वाले लोग हैं, जो आपके सामाजिक जीवन में जुड़े हुए लोग हैं, जैसे मैंने कहा कि ये सप्ताह मौज मस्ती वाला रहने वाला है, पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है, तो उन मित्रों में से ही कोई आपकी सपोर्ट भी कर पाए, चाहे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत हो, चाहे वो आपको मॉरल सपोर्ट की या मैन पावर के रूप में। तो यानी कि आपके मित्रों से ही आपका जो व्यापार है वो बढ़ने वाला है, और अगर आप जॉब से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो वहाँ पर भी आपका अच्छा काम चलने वाला है। तो प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है और कुल मिला के इस सप्ताह को आप इंजॉय करने वाले हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत अगेन फाइनेंशियल बर्डन से हो सकती है। यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है कि अपना धन किसी को भी इस सप्ताह उधार ना दें जब तक कि जरूरत हद से ज़्यादा ज़रूरत सामने वाले को ना हो। अगर आपने ऐसे ही अपने धन को दिया तो वापस आने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, जिसकी वजह से आप पूरे सप्ताह या उसके बाद भी आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में रह सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी वाणी है वहाँ पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आवेग में आके, किसी के इन्फ्लुएंस में आके किसी के साथ भी आप अपशब्दों का यूज़ ना करें, अदरवाइज़ तो आपके फैमिली का जो माहौल है, जो आपकी डोमेस्टिक लाइफ है, वहाँ पर भी आपको काफ़ी नकारात्मक रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके साथ साथ इस सप्ताह में छोटी मोटी कहा सुनी आपके छोटे भाई बहन के साथ भी हो सकती है, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहाँ पर अच्छा हो सकता है, इस सप्ताह आपको अपने पिता का सहयोग विशेष रूप से मिल सकता है। बाकी हर जगह आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, चाहे वो फाइनेंस की बात हो, चाहे वो आपके छोटे भाई बहन के साथ बातचीत को लेकर हो, चाहे वो आपकी वाणी की बात हो। तो इन चीज़ों को लेकर आप ध्यान रखिए, और इसमें बेहतर रिजल्ट के लिए आपको सलाह ये दी जाती है कि आप डेली गणेश जी की अर्चना करें, उनकी चाहे आप आरती करें या उनके मंत्र का जाप करें। तो अगर आप इस पूरे सप्ताह गणेश जी की पूजा करते रहेंगे तो आपका वाणी पर भी कंट्रोल रहेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपका बेहतर हो पाएगा, और आप सोच विचार कर डिसीजंस ले पाएंगे। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जातकों को जो फाइनेंशियल बर्डन पिछले सप्ताह देखने को मिला, इस सप्ताह उनका वो फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा, उल्टा आपकी सेविंग्स इस सप्ताह बढ़ने वाली है। इसके साथ साथ अगर आप अपने बिजनेस को या अपनी जॉब में अगर आप उन्नति की उम्मीद कर रहे थे, तो इस सप्ताह वो उन्नति या वो प्रमोशन वो आपको इस सप्ताह मिल सकता है, और फाइनेंस भी आपका इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन आपको अपने पिता की हेल्थ का इस सप्ताह भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ इस सप्ताह को और बेहतर करने के लिए आपको सलाह ये दी जाती है कि आप किसी भी रूप में भगवान विष्णु जी की पूजा ज़रूर करें। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो विशेष रूप से आपके फाइनेंस के लिए, अपने पत्नी के साथ आपके रिलेशनशिप के लिए, और जितनी भी हमारी इस सामाजिक दृष्टि से इस आर्थिक जगत में जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, उन सब चीज़ों में आपको बेहतर रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो यानी कि आप इस सब पूरे सप्ताह अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। साप्ताहिक राशिफल में इस सप्ताह बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और भी खास, कुछ और ग्रहों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।